नमस्कार, न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप रेड्डू। आज पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण विधानसभा से विधायक महिपाल ढांडा ने इनेलो और कांग्रेस के नेताओं को सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया। महिपाल ढांडा ने कहा कि दोनों पार्टियां अगर साबित कर दे कि दोनों ने अपनी सरकार के कार्यकाल में किसानों की सरसों की फसल का एक भी दाना MSP रेट पर खरीदा हो तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस दौरान महिपाल ढांडा कांग्रेस और इनेलो पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने दोनों पार्टियों को चोरों और ठगों की पार्टी कहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसानों को आज पहली बार मोदी सरकार ने एक ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध कराई है, एक ऐसी आज़ादी दी है जिस आज़ादी के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपने सामान को बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, अपने खेत से बेच सकता है, अपने घर से बेच सकता है। जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी उन लोगों ने एक प्रकार का प्रोपगंडा इस देश में बना दिया और हरियाणा प्रदेश में बना दिया। उनको सत्ता से बाहर वो लोग रह नहीं सकते, ऐसे सत्ता के भूखे भेड़िए वो लोगों को उकसा रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे आई वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष आई थी आदरणीय शैलजा जी, तो शैलजा जी आई और कह रही भाई ऊँट के मुँह में जीरा है, अरे 300 रुपये दाम बढ़ा दिया ऊँट के मुँह में जीरा, 1000 रुपये तक दाम बढ़ा दिया ऊँट के मुँह में जीरा, 500 रुपये दाम बढ़ा दिया ऊँट के मुँह में जीरा, ये अगली फसलों का और पिछली फसलों का भी इतना इतना दाम बढ़ाया, अरे 3000 रुपये तुम लोग सरसों छोड़ के गए थे और खरीदते नहीं थे। एक और बात देखो, MSP तो 3000 रुपये क्विंटल कर गए मगर खरीदी कदे नहीं, एक दाना भी अगर सरकारी खरीद का सरसों का अगर कांग्रेस की सरकार के लोग बोलते हैं या चौटाला के लोग बोलते हैं महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा, एक भी दाना अगर सरसों का इन्होंने MSP पे कभी खरीदा होगा, सरसों का अगर कांग्रेस की सरकार के लोग बोलते हैं या चौटाला के लोग बोलते हैं महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा, एक भी दाना अगर सरसों का इन्होंने MSP पे कभी खरीदा हो। हमारी में खरीद शुरू हो गई है, कौन सी ऐसी मंडी है जिसमें खरीद शुरू नहीं हुई? चार एक वर्ष मंडी में एक देखिए, एक तारीख से हमने खरीद शुरू की है, कल से हमारी खरीद शुरू हुई है और हमने खरीद शुरू कर दी है, हमारी खरीद शुरू हो गई है। जो दुर्गति की है अगर इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार है तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेवार है, इसलिए लोगों को लोगों ने समझ में आ गई इनकी बात, इनके ऐसे वो इलाज बांध देंगे कि इन सुपने में भी नाम नहीं याद आऊंगी, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों से आप मीडिया के लोग आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ किसान भाइयों तक भी कि किसान भाइयों ये जो कानून बने हैं ये थारा दादा ले पोता बरते वाला काम कर दिया, हमने एक बार में काम कर दिया है और हमने जो काम किया है उसमें जो ये चोर बदमाश आपको कह रहे हैं कि भाई थारा MSP खत्म हो जाएगा, MSP तो खत्म नहीं हुआ है, हम तलवाओ ना एक कड़ा मर गए कांग्रेस वाले, ये कहाँ चले गए चुटाला वाले, जाकर बोले जिन आड़तियों के कंधे पर बंदूक इधर कचरा रहे देख उनको बोलो भाई MSP पर तुलाई करवाने लग रहे थे हम तो लोग, क्यों नहीं देखे सफाई नहीं दे रहे हैं इस बिल को लेके, हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये जो झूठे लोग हैं बदमाश लोग हैं चोर लोग हैं जिन्होंने आज तक 55-60 साल तक तुम लोगों को लूटा है, तुम लोगों के साथ जो अन्याय किया है, किसान को जो इन्होंने जंजीरों में जकड़ के रख रखा था उससे ये खुलने के लिए हमने ये कानून बनाया, आपको आज़ादी दी है, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको कानून के बारे में बता रहे हैं।